सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक दर्शक ने हमें अनुरोध किया है कि आप रजुला मारुशाही की कहानी पर वीडियो बनाइए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रेम गाथा उत्तराखंड की एक परम प्रेम गाथा है, अमर कहानी है वहाँ की। और हालांकि इसमें दो तरह के मतभेद भी हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इनका अंत हुआ था, प्रेम कहानी का बड़ा गड़बड़ हुआ था, और एक दूसरा पक्ष ये कहता है कि कहानी जो है सुलभ और सभी प्रकार से अच्छे फल को लेके आई थी, यानी कि इसमें प्यार की जीत हुई थी। तो मैं प्यार की जीत वाला ही पक्ष लूंगा क्योंकि नेगेटिव पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, अलग अलग बातें हैं उसमें, तो मैं वही वाला पक्ष ले रहा हूँ जिसमें प्यार की जीत हुई थी। और इस प्रेम कहानी को मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग कम जानते हैं। गोपनीय जो कहानियाँ हैं पुराने समय की, जो धार्मिक बातें हैं, इसमें गोरखनाथ जी ने सहायता की थी इस प्रेमी जोड़े की, तो वो भी इस कहानी में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रेम कहानियां, लोक गाथाएं जो हैं जन जन तक हैं, और आज भी जो लोग गाथाएं हैं वहाँ की, उत्तराखंड की, वहाँ पर लोग गाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, सुनाते हैं, और ये प्रेम गाथाएं बहुत ही समय से चली आ रही हैं। और कहते हैं कि बहुत से राजघराने हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग तरह की कहानियाँ हुई, उनमें सबसे बढ़कर जो है राजुला मालुशाही की प्रेम कहानी मानी जाती है, प्रेम की प्रतीक है वो। और कहानियों को जो है लोक गायक लोग अभी भी सुनाते हैं, जो लोक गायकी है वहाँ की उत्तराखंड की, उसमें ये कहानियाँ जो है सुनाई जाती हैं। तो कहते हैं कि इन कहानियों के बारे में आज के लोग कम जानते हैं, खासतौर से पुरानी चीज़ है, एक पुराना एक रहस्य है। तो इस बात में जो है कि आज भी जो है बहुत से प्रेमियों के लिए ये बहुत विस्तार से कही जाने वाली एक कथा के समान से है, और उन लोगों को प्रेरित करती है। यहाँ पर जो गढ़वाल और कुमायूं का क्षेत्र है, वहाँ पर प्रेम गाथाएं जो है झोड़ा, चांचरी, भगनौले और अन्य लोक गीतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुनाया जाता रहा है, और पहले से ही ये चीज़ें मौजूद हैं। कहते हैं कि राजुला मालुशाही की जो लोक गाथा प्रचलित है वो इस प्रकार से है कि जो कुमायूं मंडल है आज का, वो कुमायूं के पहले राजवंश जो थे वो कत्यूर था, और उसमें किसी वंशज को लेकर एक कहानी जो है बताई जाती है और कही जाती है कि उस समय कत्यूरों की जो राजधानी थी वो बैराट, यानी कि वर्तमान चौखुटिया, जो चौखुटिया एक जगह है वहाँ मानी जाती है। तो जनश्रुतियों के अनुसार बैराट में तब राजा दुला शाह जो है शासन करते थे और उनकी कोई संतान नहीं। इसके लिए उन्होंने कई मनोतियाँ बनाई। अंत में उन्हें किसी ने बताया कि वह बागनाथ यानी कि बागेश्वर में शिव जी की आराधना करें। बागेश्वर को बागनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो तभी आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो बागनाथ के मंदिर गए और वहाँ मुलाकात एक उनके भोट के व्यापारी सुनपत शौका और उनकी पत्नी गांगुली से हुई थी। वह भी संतान की चाह में वहाँ पर आए थे। दोनों में आपस में समझौता कि यदि संतानें लड़का और लड़की हुई तो आपस में शादी करा देंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मालुशाही रखा गया, और सुनपत शौका के घर में लड़की पैदा हुई उसका नाम राजुला रखा गया। यही कहानी है, मालुशाही राजुला रामाशाही के नाम से जानी जाती है। समय बीतता गया। जहाँ बैराट में मालू बचपन से जो है जवानी के कदम रखने लगा, वहीं भोट में राजुला का सौंदर्य लोगों में चर्चा का विषय बनने लगा, क्योंकि राजुला काफी ज्यादा सुंदर थी। वह जिधर भी निकलती थी सब उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते थे। पुत्र जन्म के बाद दोलूशाही ने ज्योतिषी को बताया कि तेरे बच्चे का भाग्य पर विचार में कुछ गड़बड़ी है। तो ज्योतिषी ने उसे कहा कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के पांचवें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को शौकादेश भेजा और उसकी कन्या राजुला से ब्याह करने की बात की। सुनपति तैयार हो गए और खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही के साथ कर दिया गया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। इसी बीच जो है राजा दोलूशाही की जो है मृत्यु हो गई, और इस अवसर का फायदा दरबारियों ने उठा लिया और यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुराल को खा गई,
अगर वह इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मालूशाही से ये बातें गुप्त रखी जाए। धीरे धीरे दोनों जवान होने लगे। राजूला जब युवा हो गई तो सुनपति शौका को लगा कि मैंने अपनी लड़की को रंगीली बैराट में ब्याहने का वचन राजा दौलूशाही को दिया था, लेकिन वहां से कोई खबर क्यों नहीं आ रही है। इसी सोच में चिंतित रहने लगा। एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी है, पेड़ों में कौन बड़ा पेड़ है, गंगाओं में कौन बड़ी गंगा है, देवों में कौन बड़े देव, राजाओं में कौन राजा है और देशों में कौन देश है। तो उसकी माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा है जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है, और देवताओं में सबसे बड़े महादेव हैं जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा रंगीला मालूशाही और देशों में देश है रंगीली वैराट। तब राजूला धीमे से मुस्कुराई और उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले वैराट से ही करना। इसी बीच हूर देश का राजा विक्खीपाल सुनपति शौक के यहाँ आया और उसने अपने लिए राजूला का हाथ मांग लिया। सुनपति को धमकाया कि अगर तूने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को उजाड़ देंगे। इसी बीच में मालूशाही के सपने में राजूला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, और उसने सपने में ही राजूला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुझे ब्याह कर जरूर ले जाऊंगा। यही सपना राजूला को भी आ गया, एक और मालूशाही का वचन और दूसरी तरफ हूण राजा जो विक्खीपाल थी उसकी धमकी। इन सब बातों से जो है परेशान होकर राजूला ने निश्चय किया कि वह स्वयं बैराट देश को चली जाएगी और मालूशाही से जरूर मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे तो हूण देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। तो रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला रंगीली बैराट की ओर चल पड़ी। वह पहाड़ों को पार कर मुनिश्यारी और फिर बागेश्वर पहुंची। वहां से उस कफू पक्षी ने बैराट का एक रास्ता दिखाया, एक कफू पक्षी होता है उसने दिखाया था। लेकिन इस बीच जब मालूशाही ने शौका देश जाकर राजूला को ब्याह करने की बात की तो उसकी माँ ने पहले बहुत समझाया, उसने खाना पीना और अपनी रानियों से बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी को सुघा दिया गया, जिससे वह गहरी निद्रा में सो गया। इसी दौरान राजूला मालूशाही के पास पहुंची और उसने मालूशाही को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह तो जड़ी के वश में था, सोता ही रह गया। निराश होकर राजूला ने उसके हाथ में साथ लाई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने पर रख दिया और रोते रोते अपने देश को लौट गई। जब सामान्य हो जाने पर मालूशाही की निद्रा खुली तो जैसे ही होश आया तो उसने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी तो उसे सब याद आया और उसे वह पत्र भी दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी लेकिन तू तो निद्रा के वश में है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे हूण देश ले आना क्योंकि मेरे पिताजी अब मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। यह सब देखकर राजा मालू अपना सिर पीटने लगे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अब मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए, तो मालू गोरखनाथ जी के पास चले गए। गुरु गोरखनाथ जी धुनी रमाए बैठे थे। राजा मालू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरी राजूला से मिला दो, मगर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मालू ने अपना मुकुट और राजसी कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख को शरीर में मलकर एक सफेद धोती पहनकर गुरुजी के सामने गया और कहा कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजूला चाहिए, आप यह बता दो कि मुझे वह कैसे मिलेगी, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर विषपान करके अपनी जान दे दूंगा। तब बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और मालू को समझाया कि जाकर अपना राजपाट संभाल और रानियों के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि देख मालूशाही, हम तेरे डोली सजाएंगे और उसमें एक लड़की को बिठा देंगे और उसका नाम रखेंगे राजूला। लेकिन मालू नहीं माना, उसने कहा कि गुरु, यह तो आप कर दोगे लेकिन मेरी राजूला के जैसे नए नक्श कहाँ से लाएंगे। तो गुरुजी ने उसे दीक्षा दी और बोक्साड़ी विद्या सिखाई। एक बोक्साड़ी विद्या होती है, उत्तराखंडी बोक्साड़ी विद्या है, इसके मंत्रम से तंत्र मंत्र जो है और रूप परिवर्तन की शक्ति पैदा की जाती है। साथ ही तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूण और शौका देश के विष उसे ना लगे, यानी कि वहां जहरीले बाण उस समय मारे जाते थे, उनसे बचा रहे। तब मालू के कान छेदे गए और सिर मुड़ा दिया गया। गुरु ने कहा, जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा खाना खा कर आ। तब मालू सीधे अपने महल पहुंचा और भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरे मालू जैसा दिखता है। मालू ने उत्तर दिया, मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे खाना दे। रानी ने उसे खाना दिया तो मालू ने 5 ग्रास बनाए।
पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि को छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को दिया और पांचवा ग्रास खुद खाया। तो रानी धर्मा समझ गई कि ये मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी है। इस प्रकार रानी ने मालू से कहा कि बेटा तू क्यों जोगी बन गया राजपाट छोड़कर? तो मालू ने कहा, माँ तू इतनी आतुर आखिर क्यों है, क्यों इतनी परेशान हो रही है? मैं जल्दी ही राजुला लेकर आ जाऊंगा, मतलब राजुला को लेकर के आ जाऊंगा, मुझे होड़ियों के देश जाना है अपनी राजुला को लाने के लिए। रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया लेकिन मालू फिर भी नहीं माना, तो रानी ने उसके साथ कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में घूमता हुआ घूर देश पहुंचा। उस देश में विष की बावड़ियां थी, बहुत सारी विष की बावड़ियां बनी हुई थी, उनका पानी पीकर सभी अचेत हो गए। तभी विष की अधिष्ठात्री विशला ने मालू को अचेत देखा तो उस पर दया आ गई और उसका विष निकाल दिया। ऐसा इसलिए हुआ था कि गुरु गोरखनाथ जी ने वो पहले ही वो विद्या सिखाई थी, इसीलिए विशाला देवी ने उनकी मदद की थी। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंचा, वहां बड़ी चहल पहल थी क्योंकि विक्खीराज राजुला को ब्याह करके लाया था। मालू ने अलख लगाई और बोला, दे माई भिक्षा। तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। पर जोगी को देखकर वो देखता ही रह गए। उसे अपने सपनों में आई राजुला को साक्षात देखा तो सुधबुद्ध ही भूल गया। जोगी ने कहा, अरे रानी तू तो बड़ी भाग्यवती है, यहाँ कहाँ से आई? राजुला ने कहा कि जोगी बता मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती है। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम ग्राम के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने कहा, मैं सुनपति शोका की लड़की राजुला हूँ, अब बता जोगी मेरा भाग क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चेली तेरा भाग कैसा फूटा, तेरे भाग में तो रंगीला वैराट मालूशाही था। तो राजुला रोते हुए कहा, हे जोगी माँ बाप ने तो मुझे भिक्खी पाल से ब्याह कर दिया है, गोट की बकरी की तरह घूर देश भेज दिया गया है। तो मालूशाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है कि मैं तेरे लिए जोगी वेश लाया हूँ, मैं तुझे यहाँ छुड़ा कर ले जाऊंगा। तब राजुला ने भिक्खी पाल को बुलाया और कहा कि हे जोगी बड़ा काम का है और बहुत सारी विद्याएं जानता है, यह हमारे काम आएगा। तो भिक्खी पाल मान जाता है लेकिन जोगी मुख पर राजा सा प्रताप देकर उसे शक तो होता ही है। उसे मालू को अपने महल में रख तो लिया लेकिन उसकी तो वह लेता रहा। राजुला मालू से छुप छुप कर मिलती रही तो विखीपाल को पता चल गया कि यह तो एक वैराट का राजा मालू शाही है। तो उसे मारने का षड्यंत्र किया और खीर बनवाई जिसमें उसे जहर डाल दिया गया और मालू को खाने के लिए आमंत्रित किया गया और उसे खीर खाने को कहा। खीर खाते ही मालू मर गया। उसकी हालत देखकर राजुला भी अचेत हो गई। उसी रात मालू की माँ को सपना हुआ जिसमें मालू ने बताया था कि मैं हूर देश में मर गया हूँ। तो उसकी माता ने उसे लिवाने के लिए मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल के किसी गढ़ी के उस समय राजा थे, को सिधवा विधवा रमोल और बाबा गोरखनाथ के साथ, यानी चार लोग के साथ हूर देश को भेजा गया। सिधवा विधवा रमोल के साथ मालू के मामा मृत्यु सिंह हूर देश पहुंचे। भोगसारी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू के महल में जाकर राजुला को भी जगाया। फिर इसके सैनिकों ने होड़ियों को काट डाला, यानी कि उनके साथ युद्ध किया और उन्हें मार दिया। इसी प्रकार राजा विक्खीपाल भी मारा गया। तब मालू ने वैराट संदेश भिजवाया कि नगर को सजाओ, राजुला को रानी बनाकर ला रहा हूँ। मालू शाही बरात लेकर वैराट पहुंचा जहां पर उसकी धूमधाम से शादी की गई। तब राजुला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी राजुला हूँ और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूंगी। आज मालू तुमने मेरी लाज रखी है, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो, आप दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। यह कहानी भी अजर अमर प्रेम गाथा की तरह प्रसिद्ध हो गई क्योंकि एक राजा सामान्य सी शौके की लड़की के लिए राजपाट छोड़कर योगी का भेष बनाकर वन बन भटका था और गुरु गोरखनाथ की साधना तपस्या के माध्यम से अंततोगत्वा उसने अपनी रानी को पाया था। तो ये एक इमॉर्टल कहानी है, बहुत ही अमर कहानी है वहाँ की उत्तराखंड की, जिसको मैंने आज आपको सुनाया है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।